वेलकम टू नई सुबह कहानी घर। कहानी घर नई सुबह टेल्स नरेटेड बाय निस्मा आलम। प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह कहानी घर में खुशामदीद। मैं हूँ निस्मा आलम और आज हम सुनेंगे एक बहुत मजेदार कहानी जिसका नाम है मासूम भालू। प्यारे दोस्तों, जंगल में एक बहुत ही चालाक मक्कार लोमड़ी रहा करती थी जो आए दिन हर किसी को धोखा दिया करती थी। उसी जंगल में एक मासूम सीधा साधा भालू रहता था जो बहुत ही मासूम था। एक दिन लोमड़ी भालू के पास गई और कहने लगी, भालू साहब क्यों ना हम खेती बाड़ी शुरू करें, फसल उगाएं और जो उसका मुनाफा होगा हम दोनों उसको मिल बांट कर मजे करेंगे। भालू ने कहा, मुझे तो मंजूर है। लोमड़ी और भालू ने एक जमीन ली और वहाँ पर खेती बाड़ी शुरू कर दी। भालू बहुत मेहनत करता था। जब फसल तैयार हो गई तो लोमड़ी ने कहा, फसल के ऊपर का हिस्सा मैं लूंगी और फसल के नीचे का हिस्सा तुम दे लेना। भालू ने कहा, मुझे मंजूर है। वो फसल मकई की थी और सारी मकई लोमड़ी के हिस्से में आई। सारे पत्ते जड़ें मट्टी भालू के हिस्से में आई, जिस पर भालू को बहुत ही रंज हुआ और भालू ने कहा, ये तो मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ है। वो लोमड़ी के पास गया और कहने लगा, अगली मर्तबा जो भी फसल उगेगी उस फसल के ऊपर का हिस्सा मैं लूंगा। लोमड़ी तो इसी इंतजार में थी, कहने लगी, हाँ मंजूर है, मगर अगली मर्तबा हम मूंगफली की काश्तकारी करेंगे। और फैसले के मुताबिक उन लोगों ने मूंगफली की फसल उगाई। जब फसल तैयार हो गई तो भालू ने फसल के ऊपर का हिस्सा लिया जबकि लोमड़ी ने फसल के नीचे का हिस्सा लिया और सारी की सारी मूंगफलियाँ लोमड़ी के हिस्से में आ गई। भालू फिर बेवकूफ बन गया। भालू को बहुत ही गम हुआ और भालू ने कहा, आइंदा मैं तुम्हारे साथ फसल नहीं उगाऊंगा। तो बच्चों, हमें इस कहानी से सबक मिलता है कि हमें हर किसी पर आग बन करके भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना हम भी भालू की तरह बेवकूफ बन सकते हैं। नई सुबह कहानी घर में इतना ही, फिर मिलते हैं एक मजेदार नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।